नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। काफी बड़ी अपडेट रहने वाली है, सारा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, इसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, इनके ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। नवोदय विद्यालय समिति की बात करें तो ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है, जिसमें कि आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव जो आपका रहेगा 2022 एंड 2023 के लिए रहने वाला है, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यहाँ पे रखे जाएंगे, ट्रेनिंग टीचर यहाँ पे रखे जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर, मिसलेनियस कैटेगरीज के लिए यहाँ पे टीचर रखे जाएंगे नवोदय विद्यालय समिति में। तो काफी बड़ी अपडेट आपके लिए रहने वाली है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल की वैकेंसी रखी गई है, इसमें प्रिंसिपल की टोटल 12 पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पीजीटी की जो यहाँ पे रहती है ग्रुप बी की पोस्ट, इसमें ग्रुप बी की आपकी जो पोस्ट रहेंगी 180 रहेंगी, जिसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स इंग्लिश जियोलॉजी हिंदी हिस्ट्री मैथ फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। सॉरी, यहाँ पे टोटल 397 पोजीशंस रहेंगी, 180 यहाँ पे अनरिजर्व की रखी गई हैं। उसके अलावा वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की पीजीटी की पोस्ट रहेंगी जो कि आपकी ग्रुप बी के लिए रखी गई है। इसमें इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस एंड सोशल स्टडीज से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ टोटल वैकेंसीज आपकी जो रहेंगी वो 683 यहाँ पे रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि आपके थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी के लिए रखी गई है, इसमें आसामी, उसके अलावा बोधो, उसके अलावा आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई हैं गारो, गुजराती, कनाडा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें 343 यहाँ पे टोटल वैकेंसी रखी गई है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरीज की जो टीचर की वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप बी में, ये टोटल वैकेंसीज 181 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। अगर हम ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो 1500 प्लस आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। इसमें आप यहां पे देख पाएंगे पोस्ट कोड, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया गया है पोस्ट कोड वाइज, पे स्केल जो आपका रहेगा वो आपका लेवल 12 का रहेगा, जिसमें 78,800 से लेके आपका 2,09,200 तक आपकी सैलरी यहां पे रहेगी। अपर एज जो आपकी यहां पे रखी गई है वो 50 से आपकी ज्यादा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है जो कि 50% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए, साथ में बीएड आपकी होनी चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री। उसके साथ साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है जो कि आपका होल्डिंग एनालॉजिस्ट पोस्ट के लिए रखा गया है, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप यहां पे देख पाएंगे आपका एक्सपीरियंस भी यहां पे होना चाहिए, लेवल 12 का यहां पे आपको पे स्केल दिया जाएगा। उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहां पे आप देख सकते हैं वाइस प्रिंसिपल का असिस्टेंट एजुकेशन का ऑफिसर का आपके पास में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें जो आपका पीजीटी के लिए पोस्ट रखी गई है, लेक्चरर आपकी यहाँ पे रहेगी इसमें। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो पे स्केल रहेगा वो आपका यहाँ पर आप देख पाएंगे 47,600 से लेके 1,51,100 तक रहेगा। इसमें आपका एटलीस्ट 8 साल का यहाँ पे रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस आपका जो रखा गया है वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे पोस्ट के लिए रहेगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज के अलावा यहाँ पर आपको जो बाकी के यहाँ पे दी गई हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे जो आपका रहेगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। एप्लीकेशन फिलअप के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कितनी यहाँ पे टोटल वैकेंसीज रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पे जो वो पोस्ट कोड आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिए गए हैं जो कि चेक कर सकते हैं। पे स्केल यहाँ पे आपका 47,600 से लेके 1,51,100 तक रहेगा। यहाँ 40 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 2 ईयर्स की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपने यहाँ पे बी एड कर रखी है यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर आप जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर डिग्री आपके पास में है, इसके अलावा आप इसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। जो यहाँ पे मास्टर डिग्री वाले हैं इसमें आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, पीजीटी की आपकी पोस्ट रहेगी। बाकी जो यहाँ पे आपका वीएड रहेगा प्रोफिशिएंसी आपका जो रहेगा वो आपका टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश में आपका होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है टीजीटी में, वो आपकी डिजायरेबल रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है,
पीजीटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपका यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपकी सॉरी यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स आपके 50% होने चाहिए बीई बीटेक में, कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट आपने डिप्लोमा कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ट्रेन टीचर के लिए रहेगा जिसमें कि आपकी पोस्ट कोड आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि चेक कर सकते हैं। पोस्ट कोड के अलावा यहाँ पे आपका टीजीटी की पोस्ट के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है इसमें सारा पे स्केल आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। पीजीटी में आपका यहाँ पे स्केल 44,900 से लेके आपका 1,42,200 तक रहेगा। 35 आपकी मैक्सिमम एज रहेगी, 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री आपकी मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ में। उसके अलावा बैचलर डिग्री आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 से 3 साल का आपके पास में यहाँ पे कोर्स है आप तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी आपकी मांगी गई है, आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे ऑल 3 ईयर्स की डिग्री में। उसके अलावा इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल की डिग्री में। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरी के लिए जो आपका पोस्ट रखा गया है म्यूजिक आर्ट पेट मेल उसके अलावा पेट फीमेल के लिए, तो यहाँ पे पोस्ट कोड इसके दिए गए हैं। पे स्केल आपका 44,900 सेम रहेगा एंड 35 मैक्सिमम एज रहेगी एंड 5 ईयर्स का आपका यहाँ पे स्टडी मांगा गया है म्यूजिक में। तो ये सारी आप चेक कर सकते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल दी जाएगी। बाकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका जो यहाँ पे 2 से 8 जुलाई का यहाँ पे रहेगा इसमें आपको सारा दिए गया है। सिटी आपकी रहेगी, स्टेट आपकी रहेगी, सिटी स्टेट में आपका जो भी सेंटर्स रहेंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए रहेगा। पार्ट 1 रहेगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का, पार्ट 2 आपका जनरल अवेयरनेस का, पार्ट 3 आपका जो रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, पार्ट 4 आपका एकेडमिक रेजिडेंशियल से रहेगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से आपका 5 पार्ट रहेगा जिसमें कि आपका 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के। जो आपका पीजीटी की पोस्ट के लिए रहेगा इसमें पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग आपका पार्ट 2 रहेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं 130 क्वेश्चंस रहेंगे 130 मार्क्स के एंड लैंग्वेज का भी पेपर रहेगा 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। बाकी टीजीटी की पोस्ट के लिए जो रहेगा वो भी आपका 120 क्वेश्चंस रहेंगे 120 मार्क्स के, 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे लैंग्वेज से 30 मार्क्स के। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। बाकी जो उसका स्टार्टिंग डेट रहेगा वो 2 जुलाई 2022 से रहेगा फॉर्म को अप्लाई करने का, 2 जुलाई 2022 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फीस डिपोजिट की भी सेम यहाँ पे डेट रहेगी। उसके अलावा जो आपका डेट ऑफ सीबीटी रहेगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन मोड से रहेगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल आपको मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी अप्लाई करने के लिए वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2,000 रुपीज रहेगी, पीजीटी वालों के लिए 1,800 एंड 1,500 रुपीज जो रहेगी टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी वालों के लिए रहेगी। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, काफी बड़ी ये अपडेट रहने वाली है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे बीएड कर चुके हैं, पीजीटी कर रखी, टीजीटी कर रखी है, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको ऑनलाइन दिया गया है, तो काफी बड़ी अपडेट आपके लिए रहेगी। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।